मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 1 क्वेश्चन 1। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी पहले से यहाँ लिख चुका हूँ, तो हम बिना समय गवाए सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट में दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो निम्नलिखित के वो वैल्यूएट कीजिए, मतलब मान ज्ञात करना है। तो सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक पे आते हैं। देखो यहाँ दिया है -30 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो पहले ये समझ लो, भागा का चिन्ह एक ये भी होता है, भागा का चिन्ह ये भी होता है, डिवाइड का सिंबल ये भी होता है, डिवाइड को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इस तरह से ऐसे भी लिख देते हैं, तो ये सब डिवाइड का ही सिंबल है, ठीक है ना। या डिवाइड को ऐसे भी लिख देते हैं, ऊपर कोई संख्या लिख दी है, नीचे कोई संख्या, तो ये भी डिवाइड का सिंबल है। तो ये डिवाइड है, तो इसको हम लिख सकते हैं -30/10, ठीक है ना। अब देखो प्लस का डिवाइड माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और वन का डिवाइड थ्री में करेंगे तो थ्री आएगा, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बी नंबर पे आते हैं। बी नंबर में दिया है 50 डिवाइड बाई -5, तो इसको आप लिख सकते हो 50 डिवाइड है तो नीचे चला जाएगा, -5 है, माइनस का डिवाइड प्लस में करेंगे, -5 × 10 = 50, तो -10, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। ये क्या हो गया आंसर। सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर में दिया है -36/-9, तो इसको लिखिए -36/, डिवाइड है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, -9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 × 4 = 36, इसका आंसर आएगा 5, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। डी नंबर पे आते हैं। डी नंबर में क्या दिया है, डी नंबर में दिया है -49/49, माइनस का डिवाइड, अब इसको डिवाइड है तो जाएगा -49, डिवाइड है तो नीचे चला जाएगा 49, प्लस का डिवाइड माइनस में करेंगे माइनस आएगा, 49 में 49 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो डी नंबर हो गया। अब हम आते हैं ई नंबर पर, ठीक। ई नंबर में क्या दिया है, ई नंबर क्वेश्चन में दिया है 13 डिवाइड बाई बिग ब्रेकेट इन स्मॉल ब्रेकेट इन -2 फिर +1 फिर ये दिया है, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई इस ब्रेकेट को, जब ये देखो -2 या ये +1, तो माइनस ये माइनस ये प्लस तो घटेगा, -2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा, -1 आएगा, और हो जाएगा -30/1 हो जाएगा, -30/-1 होगा, माइनस का भाग प्लस में देंगे माइनस, 1 का डिवाइड 13 में करेंगे तो 13 ही आएगा, और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। फिर एफ नंबर में आते हैं। एफ नंबर में क्या दिया है, ये दिया है 0/-12, 0/-12 तो जाएगा 0, नीचे जाएगा -12। अब किसी भी संख्या का भाग या डिवाइड जब जीरो में करते हैं तो जीरो ही आता है, और जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, ये हो गया आपका आंसर। फिर एच नंबर पे आते हैं। ये सॉरी, ये आपका एफ नंबर था, एफ के बाद आपका आ गया जी नंबर। जी नंबर में क्या दिया है, -31 फिर दिया है डिवाइड बाई -30 फिर +-1, ठीक है ना। तो देखो इसको पहले क्या करो, -31 करो, डिवाइड का सिंबल है ऐसे लगा दो। देखो ये -31 है, ये -1 है, तो दोनों का सिंबल समान है तो ये मिलेगा, और ये हो जाएगा -31। अब देखो क्या होगा, ये -31 में ये डिवाइड है तो नीचे जाएगा, फिर -31 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 31 में 31 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 हो गया आपका आंसर। फिर एच नंबर में देख लेते हैं। एच नंबर में दिया है -36/12, ठीक है, फिर दिया है /3। तो देखो पहले करना क्या है, पहले 36 में 12 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा -36 डिवाइड है तो नीचे जाएगा 12 फिर डिवाइड बाई 3। अब देखो 12 × 3 = 36, 12 × 36 होता है, ये आपको पता ही है, तो हो गया -3 फिर डिवाइड दिया है फिर 3 दिया है, अब ये -3/3 हो जाएगा, डिवाइड है तो नीचे जाएगा,
और 3 का डिवाइड 3 में करोगे तो 1 आएगा 1 आएगा, और प्लस का डिवाइड माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा -1, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद में आई नंबर पे आ जाते हैं, आई नंबर में दिया है -6 + 5, फिर उसके बाद दिया है डिवाइड बाई -2 + 1, तो ये हो जाएगा -6 और +5, तो -+ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6 से 5 जाएगा तो -1 आएगा, ये माइनस है ये प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 6 से 5 जाएगा तो 1, 6 अधिक है और इसके सामने माइनस सिंबल है तो ये माइनस लग गया, फिर डिवाइड हो गया, फिर देखो ये माइनस ये प्लस तो चिन्ह इसके जो सिंबल है विपरीत है तो घटेगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 आएगा, अब 2 ज्यादा है इसके सामने माइनस है तो ये माइनस हो गया, अब हो गया -1 बाई डिवाइड है तो नीचे जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया बराबर 1/1, 1 में 1 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा और ये हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 यही का पहला क्वेश्चन यही समाप्त होता है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसके आगे के जो क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो आप सब्सक्राइब करके आप अपना प्यार हमें जरूर दें, अपना सपोर्ट जरूर दें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।